बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश के लेसन नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन आंसर्स में, वो व्हाई डू वी कॉल पाकिस्तान अ लैंड ऑफ विलेजेस, कि हम पाकिस्तान को जो है वो एक गाँव की ज़मीन क्यों कहते हैं, एक देही ज़मीन क्यों कहते हैं, कि एक ऐसी ज़मीन हम उसको क्यों कहते हैं जहाँ पर गाँव ही गाँव हैं। आइए इसका आंसर लिखते हैं। पाकिस्तान इज़ कॉल्ड अ लैंड ऑफ विलेजेस। आंसर नंबर 1 है हमारे पास, पाकिस्तान इज़ कॉल्ड अ लैंड ऑफ विलेजेस। पाकिस्तान इज़ कॉल्ड अ लैंड ऑफ विलेजेस बिकॉज ऑलमोस्ट 70% ऑफ आवर टोटल पॉपुलेशन, बिकॉज अबाउट 70% ऑफ आवर टोटल पॉपुलेशन 70% of our total population lives in villages. Villages. क्या हम जो है वो हमारे पास सवाल था, हमारे पास ये सवाल था कि पाकिस्तान को जो है वो लैंड ऑफ विलेजेस क्यों कहा जाता है। लैंड ऑफ विलेजेस पाकिस्तान को इसलिए कहा जाता है, हमने लेसन में पढ़ा था कि वो इसलिए कहा जाता है कि 70% ऑफ द पॉपुलेशन जो है पाकिस्तान की वो कहाँ है, लिव्स इन विलेजेस है, यानी गांव में रहती है। ये हमारे पास आंसर नंबर 1 था। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या है, व्हाट इज़ यूजुअली द पॉपुलेशन ऑफ अ स्मॉल विलेज, कि एक स्मॉल विलेज की जो है वो पॉपुलेशन कितनी होती है, ये भी हमने लेसन में पढ़ा हुआ है। आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 2 हमारे पास क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ अ स्मॉल विलेज यूजुअली कंसिस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ स्मॉल विलेज यूजुअली, यानी आमतौर पर जो है वो कितनी होती है, यूजुअली कंसिस्ट ऑफ कितनी, तकरीबन कंसिस्ट ऑफ अबाउट 2000 और लेस पीपल, कंसिस्ट ऑफ अबाउट 2000 पीपल और लेस, 2000 या उससे कम के जो लोग हैं वो स्मॉल विलेजेस में आते हैं, ऐसे गांव में आते हैं जो कि छोटे हैं। अब हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन आ रहा है वो है, व्हाट फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन आवर विलेजेस, के हमारे गांव में क्या सहूलियात हमें मैसर हैं, कौन सी फैसिलिटीज़ ऐसी हैं जो कि हमारे गांव में अवेलेबल हैं। इसका हम आंसर लिखते हैं कि हम देखते हैं हमारे इस आंसर में हमें क्या पता लगता है कि कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हमारे गाँव में मौजूद हैं। इसका हमारे पास आंसर है, द फैसिलिटीज़ ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ आर अवेलेबल, द फैसिलिटीज ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन, द फैसिलिटीज ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन आर अवेलेबल इन आवर विलेजेस। In our villages, ये हमारे गाँव में जो है वो सेहत के और हवाले से और तालीम के हवाले से जो सहूलियात हैं वो मैसर हैं, फैसिलिटीज़ जो हैं वो मैसर हैं। A bigger village has a high school, a post office and a health center. A bigger village has a high school, a health center,
a health center and यानी एक हाई स्कूल है, एक हेल्थ सेंटर है और एक पोस्ट ऑफिस जो है हमने लेसन में पढ़ा था वो हमारे पास एक गांव में होता है, बड़े गांव में मोस्टली. अ हाई स्कूल, अ हेल्थ सेंटर, अ एंड अ पोस्ट ऑफिस, डाक, डाकिये का जो दफ्तर है, डाक खाना जिसे बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस. They also have electricity, वहाँ बिजली की सहूलियात भी मौजूद हैं. Electricity, वहाँ पे क्या है, बिजली की सहूलियात भी मौजूद हैं. And they also, and some of the smaller villages are derived of these, but have primary schools. यानी कुछ ऐसे schools हमारे पास हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी स्कूल्स हैं, यानी ऐसे बिग स्कूल्स नहीं है, हाई स्कूल्स नहीं है, मैट्रिक तक नहीं है, कॉलेजेस तक नहीं है, बट वो कहाँ कहाँ तक है, 1 to 5 या नर्सरी टू 5 है. एंड सम हैव प्राइमरी स्कूल्स. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट आंसर है, क्या कि फैसिलिटीज़ कौन सी हैं हेल्थ एंड एजुकेशन के हवाले से हैं, कहाँ पर हमारे विलेजेस में, इन आवर विलेजेस, बिगर विलेज हैज़ अ हाई स्कूल, अ हेल्थ सेंटर एंड अ पोस्ट ऑफिस, ये तो तीन चीज़ें जो हैं, और वहाँ पर जो है वो बिजली भी मौजूद है, इलेक्ट्रिकसिटी भी मौजूद है, और हमारे पास जो कुछ ऐसे देहात भी हैं, गाँव भी हैं जहाँ पर प्राइमरी स्कूल्स हैं, यानी कि 1 to 5 तक के जो स्कूल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर मौजूद हैं. अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसका क्वेश्चन है व्हाई इज़ इट बेटर टू लिव इन हेल्दी एनवायरनमेंट, कि ये हमारे लिए क्यों बेटर है कि हम जो है वो एक हेल्दी एनवायरनमेंट में रहे. व्हाई इज़ इट बेटर टू लिव इन एन हेल्दी इन्वायरमेंट, ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, जिसका आंसर है इट इज़ बेटर टू लिव इन अ हेल्दी इन्वायरमेंट बिकॉज इट इज बेटर टू लिव इन अ हेल्दी इन्वायरमेंट बिकॉज, क्या वजह है इसकी, कि बेहतर है एक जो है वो सेहतमंद माहौल में रहना, क्यों बेहतर है, बिकॉज इट कीप्स अस फिट एंड हेल्दी, बिकॉज इट कीप्स अस फिट, हमें तंदुरुस्त रखता है और हमें सेहतमंद रखता है, फिट एंड हेल्दी, ये हमें क्या रखता है माहौल, हमें फिट एंड हेल्दी रखता है, तो सेहतमंद और तंदुरुस्त रखता है. सच इन्वायरमेंट इज़ अवेलेबल ओनली इन विलेजेस, कि ये ऐसा इन्वायरमेंट जो है, सच इन्वायरमेंट ये सिर्फ और सिर्फ गांव में मौजूद होता है, इज़ ओनली अवेलेबल इन विलेजेस, गांव में मौजूद होता है ऐसा माहौल. और उसके बाद है हमारे पास एज देर इज़ ऑलवेज पीस, क्यों ये गांव में ही क्यों होता है, क्या वजह है कि ये सिर्फ और सिर्फ गांव में होता है, इसलिए एज देर इज ऑलवेज पीस, यानी पुरसकून अमन का माहौल होता है, कोई वहां पर जो है वो शोर शराबा नहीं होता, पीस होता है, काम प्लेस होती है, पीस एंड कामनेस, एंड कामनेस यानी कि पुरसकून माहौल हमेशा वहाँ पर, ऑलवेज वहाँ पर होता है. और जो हमारे पास इसका लास्ट है, इट कीप्स अस फ्रेश, ये हमें क्या रखता है, हमें हेल्दी रखता है, फ्रेश रखता है, इट कीप्स अस फ्रेश, ये हमें क्या रखता है, फ्रेश रखता है. हमारा क्वेश्चन ये था कि गांव की जो ज़िंदगी है, यानी कि एक हेल्दी इन्वायरमेंट में रहना हमारे लिए बेहतर क्यों है, बेटर क्यों है. इट इज़ बेटर टू लिव इन अ हेल्दी इन्वायरमेंट बिकॉज इट कीप्स अस फिट एंड
हेल्दी सच एज सच एनवायरमेंट इज़ ओनली अवेलेबल, ये सिर्फ और सिर्फ गाँव में अवेलेबल होता है। क्या वजह है कि सिर्फ और सिर्फ गाँव में अवेलेबल होता है? क्योंकि वहाँ पर हमेशा जो है वो एक कामनेस और पीसफुल जो है वो इन्वायरमेंट होता है, जो हमें क्या रखता है, हमें ताज़ा दम रखता है, हमें फ्रेश रखता है। अब हम मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, वेयर वुड यू लाइक टू लिव एंड व्हाई? तो इसका जो हमारे पास आंसर बनेगा वो है, इसमें ये पूछ रहा है कि आप जो है वो कहाँ रहना पसंद करेंगे और क्यों पसंद करेंगे। हम इसका आंसर ये लिखेंगे, आई वुड लाइक टू लिव इन अ बिग, आई वुड like to live in, यानी कि मैं रहना पसंद करूँगा एक बड़े किस में, a big city as it has many, I would like to live in a big city, क्यों as it is, क्योंकि as it has many facilities, क्योंकि वहाँ पर जो है वो बहुत सी सहूलियात मौजूद हैं, facilities of higher education, तालीम के लिहाज से, आला तालीम के लिहाज से, higher education, एक तो ये हमारे पास इस वजह से जो है वो रहना पसंद करेंगे हम एक बड़े शहर में, big city में, health के हवाले से है, higher education, health जो हमारे पास second factor है जिसकी वजह से हम choose करेंगे कि हम बड़े शहरों में रहें, हाउसिंग यानी कि जो सोसाइटीज़ हैं बनी हुई हमारे बिगर सिटीज़ में, उसमें जो है वो रहना पसंद करेंगे, उनकी किस वजह से, उसकी किस खूबी से, उसकी हाउसिंग की खूबी से, कि वहाँ पर जो है वो घर अच्छे बने हुए हैं, मजबूत बने हुए हैं, रिक्रिएशन एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि सैर व तफरी के लिए भी, रिक्रिएशन एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़। जैसा हमने पढ़ा था कि गाँव के में जो है वो लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो क्योंकि पढ़े लिखे नहीं हैं वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी कम है, क्योंकि वहाँ पर गाँव में जो है वो ऐसे रिक्रिएशनल प्लेसेस नहीं है हमारे पास, और जो हाउसिंग फैसिलिटी है वो भी एज सच अप टू द मार्क नहीं है, जिसकी वजह से लोग क्या पसंद करते हैं, बिगर सिटीज़ में रहना पसंद करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है, जो कि इस चैप्टर का हमारे पास क्वेश्चन आंसर का लास्ट जो है वो हमारे पास इसका क्वेश्चन है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। हाउ डू द विलेजर्स रिटेन ओल्ड ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स? विलेजर्स जो हैं वो पुराने रस्म व रिवाज को कैसे जो हैं वो कायम रखते हैं? इसका आंसर है, दे स्टिल प्रैक्टिस देयर ट्रेडिशंस, दे स्टिल प्रैक्टिस देयर ट्रेडिशंस। वो क्या करते हैं, हमने जो है वो ट्रेडिशंस को प्रैक्टिस करते हैं, फेस्टिवल और सेरेमनीज को भी, सेरेमनीज को भी प्रैक्टिस करते हैं। एंड दे नॉट हैव गिवन अप देम, दस द विलेजेस रिटेन, यानी उन्होंने इसको गिवन अप नहीं किया, एंड दे नॉट हैव गिवन अप और ये जो है वो उसको गिवन अप नहीं कर रहे, जिसकी वजह से इसको रिटेन करते हैं, सो दे रिटेन, क्या रिटेन करते हैं, सो दे रिटेन देम, ये जो है वो अपने रस्म व रिवाज को, ट्रेडिशंस को रिटेन करते हैं, प्रैक्टिस जो है वो अपनी ट्रेडिशंस को ये करते हैं लाजमन और इसको नहीं छोड़ते, जिसकी वजह से ये है जो अपने ट्रेडिशंस यानी रस्म व रिवाज को जो है वो रिटेन करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन था, आपसे नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे अब इस लेक्चर के साथ, जिसमें हमने फिल इन द ब्लैंक्स कवर करेंगे और अपनी बाकी एक्सरसाइज को। अल्लाह हाफिज़।